सो दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहली हाफ के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी ड्रेसेस सिखा रही हूँ और दूसरे हाफ के अंदर आई एम शेयरिंग विद यू गाइस माय एक्सपीरियंस विद हॉट पॉट. हॉट पॉट इज अ चाइनीज डिश दैट इज गोइंग वायरल, सो वी विल सी इफ इट्स वर्थ इट और नॉट. अच्छा, ये सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने पर्सनल फेवरेट ड्रेस से, विच इज़ दिस वन. इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता. दिस कुर्ता इज़ फ्रॉम एथनिक बाय आउटफिटर्स, लेकिन आप इसको खुद भी स्टिच करा सकते हो. इसको मैंने पेयर किया है बहुत ही बेसिक वाइट ट्राउजर्स के साथ. ये ट्राउजर्स आपको जो रिंकल लग रहे हैं ना, ये पूरा दिन गुजारने के बाद यही हाल हो जाता है. ये मैंने बहुत अच्छा प्रेस किया था इसको. खैर एनीवेज, इसके साथ मैंने ये जूता मैच किया था और ये वाला बैग जो कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था. और ये जो कुर्ता है ना, ये बहुत ही बेसिक सा है. इसका फैब्रिक बहुत मज़े का है. नेक लाइन के ऊपर थोड़ी बेसिक सी डिटेलिंग है, बटन्स के साथ इसकी डिटेलिंग दी हुई है. फैब्रिक इसका बहुत क्यूट, बहुत मज़े का फैब्रिक है. पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल सा ये एक कुर्ता है. और ये आप पहन सकते हैं इसके साथ अगर आप जो भी दुपट्टा मैच करना चाहते हैं, लाइक वाइट करना चाहते हैं या पिंक करना चाहते हैं या फिर कलर ब्रेक करने के लिए कुछ और मैच करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो ये मेरे ख्याल से वर्क यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो इसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है और बहुत ही फर्स्ट फ्री जो है वो आपका ड्रेस हो सकता है. सो ये नेकलाइन पे आप डिटेलिंग देख रहे हैं ना, बस इतनी बेसिक सी डिटेलिंग है इसके ऊपर. मूविंग अलॉन्ग टू द नेक्स्ट ड्रेस विच इज़ ए प्रिंटेड ड्रेस. अच्छा, फॉर सम रीज़न मुझे ये सॉलिड्स पे मेरा आजकल काफ़ी दिल आया हुआ है. मतलब प्रिंट्स, आप इतने पिछले 7-8 साल से इतने आपने प्रिंट्स पहन लिए होते हैं ना, कि दिल आजकल जो है ना वो चाहता है कि यार प्लेन प्लेन कपड़े होने चाहिए, क्योंकि प्रिंट्स जो है ना वो देख के दिल नहीं चाहता प्रिंट्स पहनने का. लेकिन ये जो कलर मैं आपको शो करने वाली हूँ, पहले तो आप ये खुस्सा देख लेंगे कितना प्यारा है. इट्स बेसिकली नॉट ए खुस्सा, लेकिन ये कोल्हापुरी टाइप है जो कि आगे से बड़ी खूबसूरत सी चॉकलेट ब्राउन कलर की. ये मैंने लिबर्टी से रेड शूज़ है वहाँ से ली थी, वहाँ से मिल जाएगी आपको आराम से. इसी के साथ मैंने बैग मैच कर लिया है और ये मेरा ड्रेस है, बड़ा फ्लोरल सा. और इसके साथ मैंने ये वाले ट्राउजर्स मैच किए हैं. ये जो प्रिंट है ना, ये लाइमलाइट का प्रिंट है, पिछले साल का बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट था. इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैंने ये बलून स्लीव्स इसकी बनवाई थी, ये मैंने खुद स्टिच कराया है. इसके साथ मैंने ग्रीन कलर का दुपट्टा मैच किया हुआ है और बाकी जो एसेसरीज़ हैं वो मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर की, चॉकलेट ब्राउन के मतलब ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हो इस कलर की, मैंने कैरी की हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है. बैग इसके साथ बहुत प्यारा लगता है, प्रिंट इसका बहुत कूल, बहुत मजे का, और स्लीव्स बहुत ही क्यूट लगते हैं इसके साथ. अगर आप क्यूट सा हेयर स्टाइल भी बना लो ना, तो बहुत ही अच्छा लगे. बहुत ही बेसिक न्यूट्रल खूबसूरत कलर्स हैं इसके साथ. ये जूता भी बहुत प्यारा लगता है. कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वर्क प्लेस पे इस तरह के कपड़े शायद पहनना अवॉइड करें, क्योंकि ये फ्लोरल और फ्रॉक टाइप है, बलून स्लीव्स हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, इट वुड लुक कूल. आप बिल्कुल अपनी जो लुक्स हैं ना पाकिस्तान के, तो यही मज़े हैं ना. बाहर की कंट्रीज़ में तो आपको पता है ब्लेजर्स पहनो, ये पहनो, वो पहनो, लेकिन पाकिस्तान में भाई आप जो मर्ज़ी पहने, शरारा पहने, गरारा पहने, जो मर्ज़ी पहने. अच्छा जी, अब ये थर्ड है या फोर्थ है, आई थिंक ये फोर्थ है. फोर्थ ड्रेस जो है ये भी मैंने खुद बनवाया हुआ है और ये मैं आपको दिखाती हूँ. इट्स अ वेरी 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 बेसिक ड्रेस. इसकी जो नेकलाइन है ना, उसके ऊपर मैंने हल्की सी डिटेलिंग कराई हुई है और इसके साथ मैंने अगेन वही बैग मैच किया हुआ है. और ये मेरे पास एक ख़ानदानी खुस्सा पड़ा हुआ है जो मैंने इसके साथ चला लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. इसके साथ मैंने ये जो मिनी जैकेट टाइप है ना वो पहनी थी. ये जैकेट जो है ये जनरेशन की है और जो ये ड्रेस नीचे मैंने बनवाया हुआ है ना, इसकी नेकलाइन आप देख लें, इस तरीके से मैंने हल्की पुल्की डिटेलिंग कराई हुई थी. और ये बहुत ही वर्क अप्रोप्रिएट, यहाँ पर यूनिवर्सिटी अप्रोप्रिएट, मतलब यूनिवर्सिटी में तो आप बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना अपनी लुक्स के साथ. तो ये बहुत ही कूल लगता है, हर कोई मतलब आप ये पहन के जाओ ना. वाइट वैसे देखने में बोरिंग लगता है, लेकिन अगर 40 लोगों में किसी ने वाइट पहना हो ना, तो सबसे अच्छा वही बंदा लग रहा होता है जिसने वाइट कैरी किया हुआ हो. प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट का कौन सी टोन है जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से ठीक लगती है. और अगेन ये सॉलिड्स हैं, मतलब इनके ऊपर कुछ भी कोई फ्लो प्रिंट श्रिंट नहीं है. या फिर अगर आप इसको देखिए, वाइट आपने बनवा लिया ना, उसके ऊपर आप इसको इसके साथ जितना मर्जी प्ले करो, आप 40 किस्म के दुपट्टे बनाओगे इसके साथ पहनोगे, तो वो 40 अलग अलग लुक्स लगेंगी. ये जो बेसिक्स होते हैं ना, इनका यही मज़ा होता है. आप इसके साथ कोई और दुपट्टा कैरी कर लो तो वो और उस तरह के एक्सेसरीज पहन लो, बैग कैरी कर लो, तो ये एक अलग से ड्रेस बन जाएगा. प्लस ये फॉर्मल भी लगता है, इनफॉर्मल भी लगता है. द वे यू कैरी इट
वो उस तरीके से लगना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ अ होल लुक. आई रियली लाइक दिस ड्रेस क्योंकि अभी मैं बहुत ही ऑब्सेस्ड हूँ. और जस्ट बाय द वे ये जो फैब्रिक है ना ये लॉन फैब्रिक नहीं है, ये जॉर्जेट टाइप कुछ फैब्रिक है, ये सी थ्रू नहीं है. और ये भी जो है ये मैंने खुद स्टिच कराया था अपनी दर्जन से. उनको डिज़ाइन वगैरह मैंने बता दिया था कि मुझे क्या चाहिए. यहाँ पे मैं खुद सा आपको बार बार आगे पीछे इधर उधर हो के दिखा रही हूँ कि कहीं कोई एंगल मेरा मिस ना हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये मैंने खुद सा पहना हुआ है, जबकि मैं इसमें 150 मिनट वो ऑलरेडी पिक्चर्स ले चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ. जस्ट बाय द वे अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हुआ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस व्हिच इज़ दिस वन. दिस पेल येलो कलर इज द कलर ऑफ दिस सीजन. मतलब कि ये कलर तो इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ. ये मैं कलर पहन के गई ना तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये कहाँ का सूट है ये, मतलब इतना सुकून हो रहा है ना ये कलर देख के, आंखों को बहुत सुकून हो रहा है. प्लस मैंने इसके साथ बैग, यही मैंने पहले भी कह रही क्योंकि भाई मैं बहुत अमीर नहीं हूँ और मैं बार बार वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरे पास हैं, और आपको भी वही करनी चाहिए क्योंकि एक दफ़ा चीज़ यूज़ करके बिल्कुल भी पहननी नहीं चाहिए. और इसके साथ मैंने ये वाली हील्स जिसमें फॉर सम रीज़न मेरे पाँव बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे पाँव इतने अजीब नहीं हैं, लेकिन इन हील्स, ये हील्स पता नहीं मैंने किसके दबाव में आके ले ली थी, इसमें हैं बहुत खूबसूरत. ये देखें पूरी लुक में बहुत खूबसूरत लगती है. ये बैग इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ड्रेस जो है ये थ्री पीस ड्रेस जो है ना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग जो है वो खाड़ी से ली हुई हैं और लुक बहुत खूबसूरत लगती है. ऑफकोर्स आप इसको यूनिवर्सिटी में कैरी करें या फिर आप इसको वर्क प्लेस पर कैरी करें, बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है. और बहुत मज़े के वाइब्रेंट कलर्स हैं, सटल कलर्स हैं, आपको कुछ चुभने वाले नहीं है. सॉलिड्स का जो मुझे सबसे मज़े का सीन लगता है ना वो ये है कि आप डिज़ाइन देख के ना ख़ुद भी उसको स्टिच करा सकते हो. आप चाहें फैब्रिक लें और उसी वही डिज़ाइन देके आप उसको स्टिच करा लें. फॉर एग्जांपल ये खाड़ी का सूट मैंने लिया है ना, तो इसको देख के मैं इस तरह के दो तीन और स्टिच करा सकती हूँ बिल्कुल सेम तरीके से. अच्छा जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हॉट पॉट के बारे में, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है लाहौर में, कराची में, या मतलब पाकिस्तान में आप कह लो, क्योंकि ये जो एशिया साइट है वहाँ की बहुत ही फेमस डिश है. इसमें ये होता है कि सामने आपके एक चूल्हा पड़ा हुआ होता है और ब्रॉथ होती है यानी यखनी, वो आपको ला के दे देते हैं और बाकी की सारी चीज़ें आपने ख़ुद उनको बतानी होती है कि आपको क्या क्या चाहिए. इसमें आप ये मैंने नूडल्स मंगवाए थे, मैंने चिकन मंगवाया था और वेजीज़ में कुछ ऑप्शंस मंगवाई थी और डम्पलिंग्स मंगवाए थे मैंने. और ब्रॉथ जो है वो मैंने स्पाइसी वाली कराई थी. इसके अलावा मैंने साथ में चिली ऑयल भी मंगवाया था. आप इसमें प्रॉन्स भी ऐड करा सकते हो, आपको जो दिल चाहता है ना, मतलब एक मेन्यू कार्ड आपके सामने होता है उसमें से जो जो चीज़ आपका दिल चाह रहा है ना आप उसमें से ऑर्डर करके इसमें पका के आप खा सकते हो. और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या ये वर्थ इट है, क्या आपको मतलब ये कहीं आपके पैसे तो नहीं ज़ाया हो जाते. पहली बात ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल इसको ट्राई करें फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग इट, क्योंकि जब मैंने इसको खाया था ना मेरा पेट इससे नहीं भरा, मुझे मतलब मेरी भूख नहीं ख़त्म हुई थी. और इसके साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि जब उन्होंने हॉट पॉट खाया था ना तो उसके साथ उन्होंने प्रॉपर दूसरा जो मील होता है ना, जैसे चावल और ये वो जो फ्राइड राइस ब्ला 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 बाकी सारी चीज़ें भी उन्होंने ऑर्डर की थी और साथ में हॉट पॉट ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा तो भाई इससे पेट नहीं भरा क्योंकि मुझे एक प्रॉपर मील चाहिए होता है, तो मेरे पेट को बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि ब्रॉथ थी और उसके अंदर चीज़ें थी. तो माई स्टमक वॉज रियली रियली कन्फ्यूज कि भाई क्या हो चल रहा है यहाँ पे. लेकिन टेस्ट वाइज इट वॉज 10/10. इसकी खुशबू और टेस्ट इस तरह का होता है जैसे आपकी अम्मी यखनी बना रही होती है ना, यखनी वाला टेस्ट है. मतलब आप समझ लें यही कि आपके घर में जो पुलाव बन रहा होता है ना, तो जो पुलाव की यखनी तैयार हो जाती है और उसमें चावल डरने लगते हैं ना, तो जो वो यखनी होती है ना इसका सेम वैसी खुशबू और वैसा ही टेस्ट था. और ये डम्पलिंग्स इतने मज़ेदार थे, ओफ बहुत मज़े के थे. खैर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ये आप देख सकते हो. ये सारी चीज़ें, इसमें नूडल्स भी हैं, इसमें वेजीज हैं, इसमें डम्पलिंग्स हैं और बहुत सारे लोगों का पेट भी इससे भर सकता है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा पेट नहीं भरा था क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी. लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग इट यू शुड डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि बहुत मज़े की बहुत यूनिक चीज़ है और एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप ऐसे ही मतलब टेबल पर उसको पका के और फिर आपने खाना. और बाय द वे हमारे साथ बहुत एक अजीब सी चीज़ भी हुई थी कि हमारी ब्रॉथ जो है ना वो उबल गई थी, बाहर निकल गई थी. खैर ये डम्पलिंग बहुत मज़े की थी, ओफ बहुत मज़े की. आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, क्योंकि इसमें दो तरह के कंटेंट्स थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू, लव अस.